नमस्कार स्वागत है आप सभी का ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी आज के सेशन में कक्षा नौ के विद्यार्थी एक ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत आकार और स्थिति और ये पाठ पढ़ाने के लिए इस विषय के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हैं उनका परिचय आप सभी से करवाते हैं हमारे साथ हैं डॉक्टर बीरबल लुनियाल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डी ई एस एस एन सी आर टी डेली में और आप कीजिएगा आपको बता दें कि ये लाइव सेशन है तो इसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं अपने मन में जो प्रश्न उठे इस सत्र के दौरान आप उन प्रश्नों को पूछ सकते हैं इसके लिए आप हमारा फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं डबल एट डबल ज़ीरो डबल फोर ज़ीरो डबल फाइव नाइन और आप कीजिएगा ईमेल एड्रेस है डी टी एस डॉट क्लास नाइन ऐट द रेट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट आई एन तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सर से पूछते हैं कि भारत का आकार अगर हम देखें तो भारत आकार की स्थिति में दुनिया में कौन से नंबर पर है और कहाँ पर स्थित है सर जी देखिए भारत में जो है विश्व के अंदर जो हमारा ग्लोब है उसमें इसकी जो साइज़ और लोकेशन हम कैसे पता करेंगे कि अर्थ के ऊपर जो इंडिया है उसकी जो लोकेशन है पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है यानी कि लाइन ऑफ इक्वेटर के पूरी तरह से नॉर्दर्न साइड में है और भारत की जो लोकेशन है उसके जो लाइन ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा बोलते हैं वो भारत के लगभग बीच में से गुजरती है तो जी जी सर्थ. जी जी तो भारत की जो स्थिति है वो दुनिया भर में दुनिया में अगर देखें तो सातवें नंबर पर है भारत आकार के अनुसार आकाश आकार के आधार पर और भारत जैसा कि आपने बताया कि जी. अगर लेटीट्यूड और लॉन्गीट्यूड यानी? जी अक्षांश और देशांतर रेखाएं जिनको हाँ, लैटिट्यूड और लोंगिट्यूड जी, जी उनके आधार पर देखें तो आ, उनकी अगर हम उसको उसके हिसाब से डिग्री में बांटें भारत को तो भारत के शुरुआती जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जी, जी अर्थ के ऊपर जो इंडिया का साइज़ और लोकेशन अगर हम मालूम करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता होना चाहिए कि कोई भी प्लेस है विश्व के अंदर उसमें कि उसकी लोकेशन जो हम बता पाते हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं से ही हम बता पाते हैं तो इंडिया का जो है ये पूरी तरह से नॉर्दर्न एमिस्फियर में है और कर्क रेखा इसके लगभग बीच में से गुजरती है तो अर्थ के ऊपर जो खड़ी लाइनें हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो खड़ी लाइनें हैं उनको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं और जो रेखाएं आडी लाइन के रूप में है आडी जैसे लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं तो भारत का जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसमें पहले अक्षांश रेखाओं की बात करें तो भारत है वो आठ डिग्री चार मिनट उत्तरी अक्षांश से थर्टी डिग्री सिक्स मिनट उत्तरी अक्षांश तक यानी कि अक्षांश रेखा में आठ डिग्री फोर मिनट से उत्तरी अक्षांश से थर्टी सेवन डिग्री सिक्स मिनट उत्तरी अक्षांश तक है इसकी और जो देशांतर रेखा की बात करें तो भारत है वो सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट पूर्वी देशांतर से नाइन्टी सेवन डिग्री टू फाइव मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका आ, लोकेशन है जी जी तो आपने समझ लिया कि आठ दशमलव चार डिग्री से लेकर के छब्बीस दशमलव थर्टी सेवन डिग्री सिक्स डिग्री है उत्तरी विस्तार विस्तार और अगर हम कि आपने शुरुआत में कहा कि कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है तो भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है जियोग्राफिक मायने में जी भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के आठ राज्यों से गुजरती है ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं लाइन ऑफ कैंसर तो ये जो रेखा है लाइन ऑफ कैंसर रेखा है भारत के आठ राज्यों में देखिए कौन कौन से हैं पहला है गुजरात है मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ है झारखंड है वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है और मिजोरम इन आठ राज्यों से करक रेखा हमारे देश में से गुजरती है और ये जो रेखा है वो ट्वेंटी थर्ड एंड हाफ़ यानी कि भारत को लगभग दो पार्ट्स में नॉर्थन और एक साउथन लगभग बराबर टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है अगर इसकी ता, उसकी बात करें हम लोग इसकी नॉर्थ और साउथ इसका जो डिस्टेंस है अगर भारत, भारत का, का जो डिस्टेंस है नॉर्थ जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर कन्याकुमारी तक इसकी जो डिस्टेंस है वो लग जो है थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर है इसकी है ना और इसकी जो पश्चिम यानी गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की जो डिस्टेंस है वो है 2933 यानी उनतीस किलोमीटर ये चौड़ाई है इसकी तो भारत का उत्तर से दक्षिण बत्तीस किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व का जो डिस्टेंस है वो उनतीस किलोमीटर है जी जी तो उनतीस किलोमीटर है दूरी गुजरात से लेकर अरुणाचल के बीच में जो कि भारत का पूरब से पश्चिम तक का डिस्टेंस है या कह सकते हैं कि आकार है दायरा है और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बत्तीस सौ चौदह किलोमीटर जी है तो ये तो रही बात भारत के आकार की और आकार के आधार पर ही अगर हम बात करें तो भारत पूरी दुनिया में सातवें स्थान पर आता है जैसे ने ने बताया। जी. तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं उनका क्षेत्रफल भारत की तुलना में कितना अधिक है जी जी विश्व की बात करें तो भारत है सातवें नंबर पे आता है यानी कि विश्व में सबसे जो बड़ा देश है क्षेत्रफल के बेस पे तो वो पहला है रूस है रसिया है वो एक नंबर पर है दूसरा जो नंबर आता है वो कनाडा का है यानी कि दूसरा कनाडा है तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका यू और चौथा है चीन चाइना फाइव नंबर पर है ब्राज़ील और सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और सेवन नंबर पर है वो इंडिया है इंडिया का सातवां स्थान है विश्व में अकॉर्डिंग टू एरिया और इंडिया का जो एरिया है वो वर्ल्ड का 2.4 परसेंट यानी कि विश्व का टोटल एरिया का इंडिया जो कवर करता है वो 2.4 परसेंट एरिया कवर करता है जबकि इसका जो क्षेत्रफल है जो एरिया है इंडिया का वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग इसका एरिया है बत्तीस लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और पूरी दुनिया का मात्र दो प्रतिशत हिस्सा भारत कवर कर भारत कवर करता है और

समुद्री सीमा भी शामिल है और स्थलीय सीमा भी, भी, भी शामिल है। जी। तो स्थलीय सीमा की बात करें या टोटल सीमा की बात करें तो भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है? इसमें अस, जलीय सीमा यानी कि समुद्र तटीय सीमा आ, कितनी लंबी है जी भारत की जो स्थल जो बाउंड्री है वो टोटल पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर फिफ्टीन किलोमीटर है जो गुजरात में पाकिस्तान से शुरू होकर के और उधर वेस्ट बंगाल बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल का लास्ट है वहाँ तक ये पंद्रह हज़ार दो सौ किलोमीटर के लगभग है हमारी सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री विश्व में जो लगती है वो बांग्लादेश के साथ में लगती है कई बार बच्चों में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई चाइना से है या बांग्लादेश के साथ में है तो बांग्लादेश के साथ में थोड़ी घूमती हुई बाउंड्री है हमारी तो विश्व में सबसे जो बड़ी जो बाउंड्री हमारे साथ शेयर होती है वो बांग्लादेश की है जी जी जो कि पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर है जबकि जो जलीय सीमा है जो कोस्टल एरिया किलोमीटर जो है वो भारत की है। नहीं, सीमा है ये, इस ये। इस है। ये जो, जो कोस्टल, कोस्टल बाउंड्रीज हमारे देश की वो सात हजार पांच सौ सोलह किलोमीटर है जिसके अंदर नीचे के जो बाउंड कोस्टल एरिया है और अंडमान निकोबार आयरलैंड है और लक्षद्वीप है इसकी बाउंड्री भी इसमें शामिल है उसमें सात किलोमीटर ये बाउंड्री टोटल है जी तो गुजरात से लेकर महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये तो हो गए भारत के मेनलैंड के क्षेत्र और इसके अलावा जो भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और छोटे-छोटे आइलैंड्स हैं हैं तो इनकी भी बाउंड्रीज़ कवर की गई ये बाउंड्री टोटल किलोमीटर है किलोमीटर है पूरे भारत की जलीय बाउंड्री यानी समुद्र में लगने वाली सीमा और इसके बाद हम बात करते हैं कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग लगभग दो घंटे का अंतर आता है सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह पांच बजे सूरज निकलता है तो गुजरात में सूरज के निकलने का समय सात बजे के आसपास हो, गा। हो गा। तो इसके पीछे वजह क्या है जी क्यों कैसे समझे इसको बच्चे जी देखिए जो देशांतर रेखाएं हमारी जो एक तरह से जो ग्रीन विच्स हमारा जो स्टैंडर्ड वर्ल्ड का जो टाइम डिसाइड होता है वो जीरो डिग्री जो देशांतर है उससे डिसाइड होता है वहाँ से हमारा जो देश का जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो हमारे यहाँ पर मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ से गुजरती है और वो है ऐटी एंड हाफ थर्टी एट्टी डिग्री पूर्वी तो ये जो है हमारा स्टैंडर्ड जो देश का जो मानक कक्षांश है वो है प्रत्येक देशांतर पे प्रत्येक देशांतर पे बच्चों हर देशांतर को एक दूसरे देशांतर पे चार मिनट का डिफरेंस आता है यानी कि हर देशांतर में फोर मिनट का डिस्टेंस रहता है तो जैसे गुजरात का हम लोग बात करें तो गुजरात का जो देशांतर है जी. तो वो है सिक्सटी एट पॉइंट सेवन यानी कि अड़सठ डिग्री और सात मिनट से स्टार्ट होकर के जो अरुणाचल का देशांतर है वो है नाइन्टी सेवन टू फाइव डिग्री यानी कि लगभग मोटे तौर पे तीस डिग्री का डिफरेंस है जी इस तीस डिग्री का डिफरेंस में अगर चार मिनट हर देशांतर में जो टाइम का अंतर आता है वो चार मिनट का आ जाता है तो तीस डिग्री का डिफरेंस है तो लगभग चार से मल्टीपल करेंगे तो 120 मिनट का यानी कि जो अर्थ हमारी पृथ्वी है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूम रही है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है वो सन के सामने आता है ना और उसमें चार मिनट के डिफरेंस की वजह से ये 30 डिग्री का जो डिफरेंस है उसमें टोटल 120 मिनट का इसमें डिफरेंस आ जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे बताया सर ने कि सुबह पांच बजे अगर दिन निकलता है तो गुजरात में सात बजे के लगभग निकलता है तो इसका मेन कारण है देशांतर रेखाओं के बीच में चार मिनट का अंतर है जी तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो सूरज के निकलने का समय है इसका अनुमान अगर लगाना हो कि बिहार में मान लीजिए क्योंकि बिहार पूर्व में है और इसके बाद अगर हम बात करें आ, राजस्थान की बात करें तो बिहार और राजस्थान में आ, सूरज के निकलने के में अंतर कितने समय का हो सकता है, ये अगर किसी को समझना है तो उसको पहले का देशांतर मान लीजिए जयपुर का देशांतर है उनके बीच में कितना डिफरेंस है देशांतर का उसको फोर से मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर लेना है इतने का जो आएगा वो उसका देशांतर का समय का डिफरेंस होगा सूर्य सूर्यास्त और सूर्योदय का समय

जी कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं जिनसे भारत की बाउंड्रीज़ थ्रू सी या थ्रू लैंड लगती है जी जी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें जैसे पाकिस्तान है फिर अफगानिस्तान है फिर चाइना है फिर नेपाल है भूटान है म्यांमार है बांग्लादेश है ये तो लैंड लैंड जो बाउंड्री हमारी जो स्थलीय सीमा है उससे इसको आ, आ, कनेक्ट होते, होते हैं, होते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन नेपाल भूटान म्यांमार बांग्लादेश जी ये हमारे पड़ोसी देश हैं जी स्थलीय लैंड को भारत की बाउंड्री से टच करते हैं इसमें आप देख सकते हैं ऊपर सर्कल बने हुए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा मैप में और इसके बाद ऊपर इधर नेपाल और चीन उसके बगल में भूटान है और फिर नीचे बांग्लादेश है उसके नीचे म्यांमार है तो कुल सात देश ऐसे हैं इस भारत के आसपास के क्षेत्रों में जो भारत के लैंड यानी जमीनी पड़ोसी हैं जमीनी पड़ोसी सीधे लैंड संपर्क हो सकता है या होता है जी सर और उसके अलावा आ, समुद्री पड़ोसी भी हैं जी, कुछ? दो समुद्री पड़ोसी हमारे नियरेस्ट हैं एक तो श्रीलंका है और एक मालदीव है जो हमारे एक तरह से ओशियन जो है वो उसकी बाउंड्री उसके साथ में शेयर होती है जी तो ओशन में दो देश हैं ऐसे जो लैंड के थ्रू नहीं कनेक्ट होते श्रीलंका और मालदीव तो कुल मिलाकर नौ पड़ोसी देश भारत के सीधे कनेक्ट होने वाले हैं आ, कह सकते हैं जल और इसके माध्यम से भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या की अगर बात करें तो हाल ही में कुछ चेंजेस किए गए थे और हाल ही में नहीं काफी समय हो गया दो तो हजार के और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अब कितनी है देखिए अभी जो भारत में क्या, जो स्टेट है वो है ट्वेंटी एट अट्ठाईस राज्य हैं और आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था तब ट्वेंटी थे लेकिन जम्मू कश्मीर के एक तरह से दो यूटी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश होने से आ, एक स्टेट अट्ठाईस रह गए हैं स्टेट लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो पहले नाइन थे उसमें से जो अब हैं वो आठ रह गए हैं उसका कारण है कि जो दादर नगर हवेली है और जो दमन द्वीप है उन दोनों को एक कर दिया गया है तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है वो आठ जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं और अट्ठाईस हमारे यहाँ स्टेट हैं जी तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत में इस समय हैं सर एक सवाल आया है कि भारत का भारत के पॉइंट्स की बात पूछी है उन्होंने अजय नाम है हमारे जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने प्रश्न पूछा है कि भारत का नॉर्थ पॉइंट क्या है साउथ पॉइंट क्या है ईस्ट पॉइंट क्या है और वेस्ट पॉइंट क्या है जी देखिए नीचे का जो साउथ पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है साउथ में इंदिरा पॉइंट है और, और जम्मू कश्मीर में ऊपर लास्ट का है और वेस्टर्न साइड में जो गुजरात का एक वेस्टर्न पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश का एक लास्ट जो एरिया है जी वो है जी, जी तो ये चार राज्य जो है चारों लास्ट पॉइंट है उत्तर के जम्मू कश्मीर साउथ में तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट जो ओशियन में है ओशन में, में है बाकी लैंड एरिया में जो साउथ पॉइंट है वो कन्याकुमारी है ओके जो साउथ है इंदिरा पॉइंट अंडमान जो ओशियन में नीचे इंडियन ओशियन में है जी 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 तो ये सवाल था और क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और इंडियन ओशन जिसे हम कहते हैं जैसा कि सर ने अभी ओशन का जिक्र किया तो एक प्रश्न मेरे मन में भी आया कि भारत समुद्र से घिरा है दो तरफ से जिसमें एक तरफ बंगाल की खाड़ी है दूसरी तरफ अरब सागर है और इसे हिंद महासागर का ही इंडियन ओशन का जी। इंडियन ओशन का पार्ट माना जाता है और इंडियन ओशन के का जो दायरा है वो कहाँ तक है नीचे भूमध्य रेखा तक और इसके बाद जी नीचे जो लाइन ऑफ इक्वेटर है उसके नीचे तक का जो एरिया है वो एक तरह से इंडियन ओशन का पार्ट है जी जी इंडियन ओशियन और जो बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है वो इंडियन ओशियन के ही दो पार्ट हैं जी तो इंडियन ओशन के दो पार्ट हैं ये और भारत का जो आ, समुद्री क्षेत्र है जिसका जिक्र सर ने कहा था कि सात हजार पाँच सौ सात हज़ार पाँच सौ सोलह सोलह सात हज़ार पाँच सौ सोलह किलोमीटर जो जलीय या समुद्र तटीय क्षेत्र हैं या सीमा है इन सीमाओं पर क्योंकि समुद्री जो ओशन रीजन है जी। तो यहाँ की जो ज्योग्राफी है जिसमें हम बात करते हैं तटों की तटों के पास की तो तटों और जब आप मेन लैंड पर आते हैं तो उसमें क्या ज्योग्राफिकल चेंजेस कुछ देखने को मिलते हैं अगर मैं बात करूं चेन्नई की या फिर विशाखापट्टनम की जो लैंड सिटीज़ हैं भारत की जो पोर्ट्स हैं तो उनमें जब हम अंदर की तरफ आते हैं मेन लैंड और ओशन के पास की लैंड उसमें क्या ज्योग्राफिकल चेंजेस रहते हैं कुछ जी जी ओशियन के पास में जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर थोड़े कई लैंड एरिया है वो थोड़ा कटाफटा यानी कि बीच वहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर जो लेगून लेक्स जो हैं पानी जो है वो कई बार पास के जो कोस्टल एरिया में पानी की लेक्स जो होती हैं वहाँ लेगून लेक्स देखने को मिलती हैं या वहाँ पर जो एक तरह से कोस्टल एरिया में लेगून के साथ साथ में जो अब, 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 जी जी पानी पानी इकट्ठा हो जाता है जी तो मतलब कुछ ऐसे कुछ ने, आ, नेचुरल बनी लेक्स होंगी लेक्स कुछ कभी समुद्र की जो लहरें होती हैं वो आसपास के क्षेत्रों में जब एंटर करती हैं तो आ, जी. कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर काफी मॉइस्चर वाला सा क्लाइमेट देखने को मिलता है मॉइस्चर रहती है वहां पे और जो को, कोस्टल एरिया है वहाँ पर बीच जो है जो लहरें हैं जो समुद्र की जो लहरें हैं वो आकर के वहाँ पर जो लैंड एरिया है उसको काट करके वहाँ पर थोड़ा कई बार बीच बन जाती हैं या जो डिपोजिशनल जो चीज़ें हैं जो ओशियन से आकर के वहाँ पर बना देती हैं वो तो बीच्स जो बन जाते हैं वो वहाँ पर देखने को मिलती है जी तो ज्योग्राफी भी हम पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं भारत का आकार और भारत की स्थिति ग्लोब पर तो भारत की स्थिति आपने समझ ली भारत कौन से स्थान पर पहुँचता है है। सातवें नंबर पर है और 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है और भारत का जो भारत की स्थिति कहाँ पर है उसके भी बारे में आपने जान लिया और अब चलते चलते एक प्रश्न मेरे मन में ये आता है कि क्या जो पोर्ट या हम कहें कि जो सी एरिया है ओशन एरिया है भारत के साथ गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक का सात हज़ार पाँच सौ सो सोलह किलोमीटर का क्या ये किसी भी देश के लिए ये एक एडेड एडवांटेज है उसकी इकॉनमी के लिए उसकी उसके सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के लिए या उसके लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए या वो डिसएडवांटेज है किसी भी देश के लिए अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि भारत की बनावट जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है जी भारत का जो कोस्टल एरिया है अगर किसी देश का जितना जबड़ा कोस्टल एरिया होता है तो वो उसके उसका एडवांटेज भी माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कई तरह के जो चीज़ें हैं जैसे हम लोगों को इंटरनेशनल ट्रेड जो विदेशी जो व्यापार होता है वो हमारा पोर्ट के माध्यम से होता है तो उसकी वजह से जो पोर्ट है वो वहाँ पर हम इस्टबलिश कर सकते हैं एक चीज़ दूसरा वहाँ पर कोस्टल एरिया के अंदर जो टाइडल एनर्जी है जिसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं वहाँ जो लहरें आती हैं जो ज्वार बाटा आता है तो उसकी वजह से वहाँ पर हम टाइडल एनर्जी का भी वहाँ पर प्लांट एस्टाब्लिश कर सकते हैं जैसे अभी हमारे यहाँ कोलकाता में और कच्छ की जो गुजरात में है वहाँ पर टाइडल एनर्जी के इस तरह के जो हैं सोर्स लगाए गए हैं वहाँ बनाने का जो प्लांट है वो एस्टैब्लिश हुए हैं तो एक तो टाइडल एनर्जी बना सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हमारे लिए है और एक हमारा जो रक्षा क्षेत्र है रक्षा के लिए हमारा जो एक तरह से नेवी है हमारा उसके लिए भी ये एक तरह से बहुत जो एडवांटेज के रूप में दे, देखते हैं देखते से, हैं जी तो ये भारत की जो भौगोलिक स्थिति है बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास समुद्री सीमाएं नहीं है दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं लेकिन भारत के साथ एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आधा भारत लैंड सीमा से कनेक्ट uh, होता है ऊपर की तरफ और आधा भारत लगभग वो समुद्र सीमा से कनेक्ट होता है और इसीलिए जो नीचे का हिस्सा है आप देख रहे हैं इसमें मैप में वो उसे साउथ पेनिनसुला रीजन पेनिसुलर रीजन कहा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहा, कहा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र इसलिए इसको कहा जाता है जिसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक तमिलनाडु केरल और पुदुचेरी लक्षद्वीप आते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ से या तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है पेनसुलर रीजन उन्हीं क्षेत्रों को कहते हैं जो इस तरह से जिसकी तीनों तरफ से बाउंड्री हो सी की तो ये जो ओशन से घिरा हुआ है भारत हिंद महासागर से इंडियन ओशन से ये भारत के लिए एडवांटेज है भारत के लिए फ़ायदेमंद है और भारत में जो हम जलवायु देखते हैं भारत की जो जलवायु देखते हैं उसमें भी इसकी एक बड़ी भूमिका है अगर हम इस तरह से नहीं घिरे हुए होते तो जिस जगह पर भारत की स्थिति है जी ट्रॉपिकल कंट्री है भारत जी तो ऐसे में भारत में बारिश की स्थिति बहुत कम होती भारत काफ़ी बड़ा डेजर्ट लैंड होता जी जी इसके अंदर है कि जो क्लाइमेट है अभी हमारे यहाँ पर मानसून देखने को मिलता है जो मानसून है वो एक्चुअली मानसून की वजह से ही हमारे भारत में जो ज़्यादातर जो बारिश होती है वो मानसून की वजह से ही होती है और दूसरा ये जो बाउंड्री हमारी है उसका जो अभी बताया जैसे मैंने कि इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो यहाँ पर जैसे हम लोगों का सबसे जो सस्ता साधन है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो सबसे सस्ता साधन है जैसे एरोप्लेन है या रेलगाड़ी है ये एक देश से दूसरे देश में जैसे रेलगाड़ी जो है या जो स्थलीय जो मार्ग हैं वो एक देश से दूसरे देश में जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है और जो एरोप्लेन है उसमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है तो इसके लिए सबसे जो सस्ता साधन है वो जलीय जो साधन है जलमार्ग है वो सबसे सस्ता होता है और उसकी वजह से अगर हम लोग जल के माध्यम से बहुत सारे पोर्ट हैं और उसके माध्यम से हम बहुत सारे देशों से विदेशी व्यापार जो भारी चीजें हैं वो उनसे हम लोग सप्लाई कर सकते हैं तो इसके माध्यम से हम लोगों के लिए एक एडवांटेज है जी। दूसरा ये जो आ, क्लाइमेट के बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग कि इंडिया के नीचे जो इंडियन ओशियन है उसके जो जलवायु है वो हमारा जो मानसून को लाने में एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारे जो जैसे हम गर्मी के दिनों में जो हवाएं हैं वो नीचे से जो है ऊपर की तरफ चलती है यानी कि ओशियन से जो लैंड एरिया की तरफ आती हैं और जो ऊपर वाला हमारा जो एरिया है वहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से वहाँ पर लो प्रेशर बनता है और जो एक नीचे से जो हमारा मानसून आता है तो ये मानसून की जो बारिश है वो इंडिया में एक तरह से इंडियन ओशियन ही उसका जो मेन सोर्स होता है जो वाटर का जो मेन सोर्स है जो बारिश का जो मेन सोर्स है वो इंडियन ओशियन है और उसी की वजह से हमारे यहाँ पर बारिश होती है तो भारत की भौगोलिक स्थिति दुनिया में अगर हम देखें तो काफ़ी रोचक है काफ़ी दिलचस्प है और इसीलिए भारत की जैसे हम चर्चा करते हैं विविधता की तो भारत की हर एक चीज़ में विविधता है संस्कृति में है धर्म में है और आर्थिक स्थिति में है और इसी तरह से भौगोलिक स्थिति में भी विविधता है पहाड़ हैं मैदान हैं पठार हैं और सीमाएं समुद्र से जुड़ी हुई हैं तो इस वजह से भारत की जो जलवायु है उसमें भी बहुत व्यापक विविधता है और इसीलिए भारत एक ऐसा देश दुनिया के एक ऐसा देश बनता है जो विविधताओं वाला देश है और ये एक एडवांटेज है किसी भी तरह से अगर हम देखें जी चलिए तो बहुत अच्छा विषय था बहुत रोचक विषय था सर आपने हमारे छात्रों हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी भारत की स्थिति और आकार के संबंध में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी सर थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर बीरबल लूनीवाल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन सोशल साइंस एंड सी दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आप सभी का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुड़े रहते हैं लगातार शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए लगातार आप बने रहिए ई विद्या के साथ लेकिन चलते चलते आपके लिए एक ज़रूरी सूचना दे दें इस सत्र में नई पुस्तकें अगर आप तक नहीं पहुंची हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार जो बदलाव किए गए हैं उनके अनुसार जो नई पुस्तकें आई हैं वो आप तक नहीं पहुंची हैं तो उसके प्राप्त करने के साधन अभी भी आपके सामने हैं आप सेल्स काउंटर पर विजिट कर सकते हैं न्यू दिल्ली अहमदाबाद बेंगलुरु कोलकाता और गुवाहाटी में सेल्स काउंटर्स अवेलेबल हैं सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छः बजे के बीच में सप्ताह के सातों दिन और छुट्टियों के दिन भी सेल्स काउंटर्स उपलब्ध रहते हैं और घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट एन सी ई आर टी बुक्स डॉट एन सी आर टी डॉट जी ओ वी डॉट आई एन और इसके अलावा अगर आप पी डी एफ वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए एन ई ई पाठशाला और दीक्षा की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन अपनी कक्षा चुनिए और अपने विषय को चुनिए और पुस्तक डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए लगातार अपडेटेड रहिए और अपनी जो पढ़ाई का काम है उसको अच्छे से करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करते रहिए शिक्षा और जागरूकता के कार्यक्रमों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए ई विद्या के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार